देखिए कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, कांग्रेस मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ती है, कांग्रेस जनहित की लड़ाई लड़ती है। अगर कांग्रेस जनहित को लेकर लड़ाई लड़ रही है तो सरकार को बर्दाश्त नहीं है, सरकार नहीं सुनना चाह रही है। ये पहली बार हुआ है क्या बिलासपुर में लाठीचार्ज हुआ? पहली बार हुआ है क्या भिलाई में लाठीचार्ज हुआ? कांग्रेस पार्टी शहादत, बलिदान, त्याग, तपस्या वाली पार्टी, इसलिए लाठीचार्ज, लाठी खाना, गोली खाना, संघर्ष करना ये कांग्रेसियों के खून में है, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। लेकिन लेकिन चाहे लेकिन क्या लाठी खाएंगे तो कांग्रेस जनहित का मुद्दा उठाना छोड़ देगी? बलौदाबाजार घटना को आप देख रहे, देवेंद्र यादव कौन सा षड्यंत्र में था, हमारा विधायक कौन सा कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे, हमारा विधायक कौन सा भाषण दिए वहां, हमारा एनएसआई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम किया, क्या कांग्रेस डरी है क्या? हमने तो कहा हिम्मत है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, इस इशू पे हिम्मत है, कांग्रेस भी नार्को टेस्ट कराने को तैयार है, कांग्रेस अपना लिस्ट देगी नार्को टेस्ट कराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का नार्को टेस्ट कराएगी का मैंने चुनौती के साथ कहा है, कहा है। क्या कांग्रेस पार्टी एक विधायक और दो जिलाध्यक्ष को जेल भेज देगी, कांग्रेस पार्टी डरेगी? नहीं डरे, किसी की लाठी मारेगी डरे, लाठी खाएगी डरेगी? नहीं डरेगी, बल्कि कांग्रेस और मजबूती के साथ लड़ेगी।